नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि हम टोल से गुजरते हैं और टोल वाला कर्मचारी कहता है जी फास्टैग तो चल नहीं रहा, आप कैश में दे दीजिए। आप झुंझलाते हो क्योंकि आपने फास्टैग भी लगवा रखा है, आपके खाते में पैसे भी पड़े हैं। लेकिन टोल वाले को आप कैश देते हो और वो भी दोगुना, क्योंकि नियम बना रखे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप टोल क्रॉस करते हो और टोल क्रॉस करते ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपके फास्टैग से पैसे कट गए हैं। ऐसा हम सब के साथ कभी ना कभी ज़रूर होता है और ज़्यादातर लोग ऐसा होते ही झुंझलाते हैं, मन ही मन दो गालियाँ निकालते हैं और फिर इस चीज़ को भूल जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा ये टोल कंपनियाँ उठाती हैं। और अगर भारतवर्ष में कोई डाटा इकट्ठा किया जाए तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपये हर साल इस तरीके से इकट्ठा कर लेती हैं। अब जो कानून है उस कानून में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं कि आप इनको अपने इस गलत आचरण का सबक सिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम सोचते हैं कि भगत सिंह हो जाए लेकिन पड़ोसी के हो जाए तो हम चुप रह जाते हैं। एडवोकेट दिग्विजय जाखड़ जी हमारे साथ हैं। इन्होंने रोहतक कोर्ट में जो उपभोक्ता अदालत है उसमें हाल ही में केस जीता है और 120 रुपये इस तरीके से उपभोक्ता के काटे थे और कोर्ट ने उसको 30,000 रुपये का हर्जाना दिया है। ये केस दिग्विजय जाखड़ जी ने लड़ा है और मैं इनको इस तरह के अनजस्टिस जो होते हैं उनका एक्सपर्ट भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेज आज इन्होंने अब तक ये ऐसे जीत चुके हैं। तो हम आज इस केस पर भी बात करेंगे और इस तरह के जो आपके साथ अन्याय होता है उसमें एक वकील आपकी क्या सहायता कर सकता है और कैसे आप टोल कंपनी या उस सामने वाली कंपनी को सबक सिखा सकते हैं, ये सारी बातें आज इनसे पूछेंगे। जाखड़ साहब आपका सबसे पहले तो कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार धर्मेंद्र जी और सभी अपने जो हरिभूमि के दर्शक हैं उन सभी का जो है मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि शो को आप रेगुलर जो है देखते हैं और धर्मेंद्र जी हैं वो वाकई में इसका एक मजबूत स्तंभ हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर इनका जो टॉपिक आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए वो एक अलग तरह का है और वाकई में आप बधाई के पात्र। शुक्रिया जाखड़ साहब। सबसे पहले दर्शकों को जाखड़ साहब ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें 120 रुपये टोल वाले ने कैश में लिया और आपने 30,000 रुपये का जुर्म हर्जाना उसको ठुकवा दिया, तो ये कैसे हुआ? ये धर्मेंद्र जी कि जो शिकायत करता है जी वो अपने जो है एक्सिन साहब हैं और वो अपने गाड़ी से जो है जा रहे थे जी। तो रोहद टोल पे जैसे ही वो पहुंचे तो उनकी गाड़ी के ऊपर फास्टैग जो है वो लगा हुआ था जी। तो एज पर रूल तो ये है कि भी आप उनको जो है डिडक्ट करो अमाउंट और गाड़ी को जाने दो। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वो बोले कि जी आपका जो है ये फास्टैग जो लगा हुआ है जी ये हमारा जो सिस्टम है ये स्कैन नहीं कर रहा, उठा नहीं रहा जी। तो उसमें देखो चाहे आप हों मैं हूँ या और कोई भी यूज़र हो तो उसकी तो गलती नहीं है। और बेसिकली एक ये रूलिंग भी है कि भाई अगर ऐसी सूरत में कुछ ऐसा होता है तो आप गाड़ी को जाने देंगे रोको। लेकिन हाँ, लेकिन उनके साथ क्या किया कि चार्ज उनका जो 60 था उसकी जगह उनसे डबल शुल्क जो है वो वसूला गया 120 रुपये। और उसके बाद उनको अचंभा तब हुआ तब वो वहाँ से निकल लिए तो मैसेज आया उनके फ़ोन पे कि आपके जो है 60 रुपीज़ जो है फास्टैग के वो डिडक्ट हो गए, 120 वो कट गए, उनको तो दोहरी से भी ज़्यादा मार होगी जी। और दूसरी बात क्या है कि जो टोल बूथ के ऊपर जो कर्मचारी हैं वो बड़ा रूड बिहेव करते हैं। हाँ, वो तो आदमी नहीं समझते। और गाड़ी खड़ी होगी पीछे लंबी लाइन लग जाती है कोई मतलब, तो जो एक इज्जतदार आदमी है जो ठीक ठाक आदमी वो बहस भी नहीं करता, वो सोचते यार दे के निकल जाओ जी। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ इस तरह के जो कदम हैं वो उठाने ज़रूरी हैं और आप उठाएंगे तो दूसरे उससे सीख भी लेंगे और आप जैसे ये शो भी लेके आ रहे हो तो इससे भी जो है लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। जाखड़ साहब, उपभोक्ता जो अदालत है उसमें आपने क्या क्या प्ली रखी, क्या क्या सबूत रखने पड़े वहाँ? इसमें इनके साथ क्या था कि इन्होंने जैसे ही टोल तो क्रॉस कर लिया उसके बाद जो टोल की हालत है वो बड़ी खस्ता है। रोहद वाला आप भी अमूमन गए होंगे तो काफ़ी वहाँ पे गड्ढे भी हैं और बड़ा जो अप एंड डाउन है रोड में जो कहते हैं वो है नहीं प्रॉपर, व्हील बैलेंस खराब हो जाता है गाड़ी में कई बार, इंजन तक। यस यस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो उसमें जो इलीगल कट्स हैं जो डिवाइडर हैं ना कोई साइन बोर्ड है वहाँ पे जी,
तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने में आई। और जो अपने शिकायत करता है इनके साथ क्या हुआ कि कोई एक गाड़ी दूसरे जो कट था उसमें से एकदम इनके आगे आ गई, तो उसको उसको क्या बचाने, अपने को बचाने के चक्कर में वो कुछ पत्थर पड़े हुए थे रोड पे तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो उससे जो इनका जो चैम्बर वगैरह है वो लीक हो गया जी, अलाइनमेंट थी वो आउट हो गई। और उसके बाद जो है इन्होंने जो टोल कंपनीज उनके पास ईमेल भी डाली कि भी मेरा सो एंड सो जो है वो लॉस भी हुआ है और मोर ओवर आपने मेरे से डबल और ये से चार्ज भी कर लिया, तो आप इसको रिवर्ट करें, कंपनसेट करें। लेकिन उनको करना नहीं था, हाँ उनको जवाब ही नहीं आया जी। एक दो तीन कई मेल उन्होंने जो है फाइल की, फिर जो है वो मेरे संपर्क में आए जी, बोले कि ऐसे ऐसे है जी आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला जी सबसे पहली बात तो कि आप आए हैं बड़ी अच्छी बात है, कोई तो आवाज़ उठाए जी, कोई आवाज़ नहीं उठाता इसलिए जो है इनके जो है वो कद लंबा हो जाता है। आपने केस डाल दिया, हाँ, ये 2019 की बात, हाँ ये 19 की बात और अभी 2021 है, यानी हाँ, दो साल में, हाँ दो साल। और ये मेनली क्या है कि कोरोना का टाइम है तो इसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो है कुछ ऑर्डर्स ऑनलाइन, हाँ तो वीसी के थ्रू कौन उस केस की सुनवाई है, थोड़ा सा डिले होता चला गया और एडवर्स ऑर्डर जो है वो पास नहीं कर सकते कोई पार्टी नहीं आती तो जी। तो उसकी वजह में फिर हमने जो है फाइल के ऊपर जैसा आप कह रहे थे कि भी कैसे ये क्या क्या हुआ, तो इनका जो जो हर्जाना था जब टोल कंपनी ने कुछ नहीं किया गाड़ी का, तो देखो गाड़ी तो खड़ी नहीं रही आदमी को आना जाना है, तो उन्होंने अपना रिपेयर कराया ये, तो उनका जो बिल वगैरह है वो फाइल के ऊपर हमने लगाए। और जज साहब ने इन सारे मामले को देख के और ठीक पाया क्योंकि हमारे ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें थी, SMS उनका था जो हमारे हमने रिसीट पैसे दिए थे 120 वो कटे हुए थे, तो उसकी एवज में जो है जो रिपेयरिंग का था वो सारा हर्जाना जो है जज साहब ने दिया। और उसके बाद अपना 10,000 रुपये इसमें जो उनको हरासमेंट और जो हुआ उसका अवार्ड किया, और जो कानूनी खर्चे के हैं 3,000 वो अवार्ड किए, 9% जो है ब्याज भी जो है उनको दिया है कि 1 महीने के अंदर इसका भुगतान करें। जाकर साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि मोस्टली लोग जो इस तरह के पीड़ित होते हैं, पीड़ित तो सारे ही हैं, टोल पे हर कोई ठगा गया, ऐसा कोई सगा हाँ, नहीं जिसको टोल ने ठगा, तो जैसे कुछ होता है तो बंदा ये सोचता है कि कहाँ वकील के चक्रों में पड़ेंगे, हाँ, कहाँ फीस लगेगी, तो इस चीज़ का क्या निवारण है कि वो डरे ना, और क्योंकि फीस भी उपभोक्ता कोर्ट देती है। हाँ काउंसिल, बस मेरा यही है कि देखो फीस जो है आपका जो भी कानूनी नोटिस का या जो खर्चा होता है वो कोर्ट अपना देता है, और ये कोर्ट इसीलिए बने हुए हैं कि लोग अपनी आवाज़ को उठाएं, सिस्टम में सुधार हो, लेकिन सिस्टम में सुधार तब ही होगा तब कोई अपनी वॉइस को जो है रेज करेगा, तो वो करते नहीं लोग, और फिर वो सोचते हैं कि भी इतने से की बात है, मतलब बात इतने से की नहीं है, ऐसे करके ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, कितने लोग जाते हैं, तो अगर इसका कोई डाटा हो तो मुझे लगता है कि कई 100 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं। बिल्कुल, अब आप देखिए कि जैसे अब फास्टैग की आप बात कर रहे थे, तो फास्टैग के अंदर आपके अकाउंट में 200-300 रुपए तो बैलेंस पड़ा रहता है और उसका इंटरेस्ट कितना हो जाता होगा वो खाम खाई लेते हैं। अभी जो रोड बना रखे हैं उन्होंने बहुत सारे फास्टैग नहीं है। हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे हम अपना कुंडली की तरफ जाते हैं पूरा KMP पे फास्टैग, हाँ वहाँ फास्टैग नहीं है। अब देखो सरकार की ये दोहरी रणनीति है या साजिश कहो कुछ भी कहो, मतलब ये गलत है। आप एक तरफ तो टोल न होने फास्टैग न होने के एवज में आप दोहरा शुल्क वसूल कर रहे हो। अब आदमी फास्टैग है तो ये मान के चलता है कैश ना होगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। हाँ लेकिन वो डबल देना पड़ता है उसको, मजबूरी में वो लगवाना पड़ता है, उसके चक्कर में उसको अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं, जो पैसे उसके पर्स में रहने चाहिए थे वो सरकार के पर्स में रहते हैं और फिर भी वो दुखी है। अच्छा जाकिर साहब, जैसे ये जो टोल रोड है इसमें बहुत सारे इलीगल कट होते हैं और उनकी वजह से मेरे ख्याल से हजारों जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या अगर इस तरह के इलीगल कट पे कोई हादसा होता है तो क्या उसके लिए टोल कंपनी उत्तरदायी है? हाँ उसके लिए उत्तरदायी है। उसमें क्या है कि एक तो इंश्योरेंस कंपनी है उसको लेके चले जाते हैं लोग। अच्छा। लेकिन टोल की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। अगर टोल को भी पार्टी बनाया जाए और उस चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड किया जाए, जैसे हमने अपना किया है जो हादसा उसके कारण हुआ है, अब हमारे पास जो है कई बार मेरे कुछ और भी केसेस हैं जिनमें जो टोल कर्मचारी उन्होंने ये भी कहा कि जी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लो। अच्छा। भाई हम हाँ इंश्योरेंस से हम क्यों क्लेम करें, आपके कारण हुआ है आप बाउंड हो इसको देने के लिए। मोर ओवर क्या है कि आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी से अगर हम क्लेम करते हैं प्लेंटी जाती है, हाँ नो क्लेम बोनस है वो खत्म हो जाता है उसका, तो ये तो अपना पल्ला झाड़ जाते हैं। लेकिन आखिरकार जो है उपभोक्ता है वो बेचारा दुखी रहता है, उसको भुगतना पड़ता है, तो वो गलत है। तो चीज़ें सारी हैं टोल की, जहाँ तक बात है इनकी जिम्मेदारी है कि एम्बुलेंस है क्रेन है वो सारी सर्विसेज वहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अमूमन वो होती नहीं। सो
टॉयलेट के दरवाजे तक ताले लगे होते हैं। हाँ, मैं उसी के ऊपर आऊँगा। तो हम चंडीगढ़ जाते हैं तो उनका भी मेरे 2-3 केसेस चले हुए हैं। तो अच्छा। इवन दो उनके फोटोज़ वगैरह हमने सब फाइल पे जो है लगाए हुए हैं, शिकायतकर्ता ने दिया कि जी देखो टॉयलेट्स वगैरह दरवाजे तक नहीं है। तो वो है, लेकिन वही है कि वैसे तो हम उस चीज़ के दे रहे हैं, उन सुविधाओं के नॉर्म्स में है, वो नॉर्म्स में है और उनका जो मैनुअल है उसके अंदर वो चीज़ें हैं कि ये फैसिलिटीज़ मस्ट है, होनी चाहिए। जैसे स्कूल्स वगैरह हैं और हैं, उन सब में होता है कि भाई इतने वॉशरूम होने चाहिए, ये लैब है, ये है, वो है। तो हर चीज़ों का एक पैरामीटर है जो सरकार ने बना रखा। अच्छा, जैसे ऐसा इस तरीके के केस होते हैं उसमें जो भोक्ता होता है, एक तो उसको अपना मैसेज संभाल के रखना है, हाँ, वकील को देते हुए, बिल्कुल, एक वो जो टोल पे जो रिसिप्ट कटी है वो एग्जैक्टली, और उस उसकी वजह से उसकी गाड़ी में अगर कोई नुकसान हुआ है, बैक करते हुए हुआ है, आगे ले जाते हुए, तो वो सारी रसीदें संभाल के रखते वो हैं। और जो इलीगल, अच्छा, कितने दिन में केस कर सकते हैं? इसमें ये है धर्मेंद्र जी, आपने अच्छी बात पूछी है। एक तो ये है कि जो आप इलीगल कट्स वगैरह कर रहे थे उनके आपको फोटो भी लेने चाहिए। अच्छा, अपने मोबाइल मोबाइल में फोटो ले लो, आजकल सब अपना यूज करते हैं, उसमें टाइम भी आता है। हाँ, तो उसमें टाइम, लोकेशन, सब चीज़ आ जाती है, उसको वो डिनाई भी नहीं कर सकते और कोर्ट भी उसको प्रॉपर मानता है जी। तो अपना जो है प्रॉपर फोटो लें, कोई डैमेज हुआ है, कई बार क्या होता है कि आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है, रोड ख़राब है, उसमें कोई पत्थर लग के शीशे पे लग जाता है, टूट जाता है, तो वो भी टोल की, अगर टोल रोड दुरुस्त होता तो वो नहीं आती, वो चीज़ें नहीं आती। तो उस जो वो चीज़ें हैं उनके फ़ोटो हैं, आप वो लें। और आते ही सबसे पहला ये नहीं है कि भी आते ही हमने केस डाल दिया, पहले जो है उनको आप मौका दें कि अच्छा। भाई ये डैमेज आपके कारण हुआ है, आप इसका समाधान कीजिए, मेरा अर्जाना जो है आप वो इसको रिपेयर कराइए। अगर वो जब कोई नहीं सुनता है फिर आप उसको प्रॉपर जो है एक अपनी मेल से भी खुद नोटिस डाल के आप खुद भी शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि मतलब बंदा खुद भी कर सकता है, वकील की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कई बार ऐसा है कि भी समय नहीं होता तो वो जो है अपने वकील से भी संपर्क कर सकते हैं और वकील का अर्जाना भी कोर्ट देगी, कोर्ट देगी, वो जो भी खर्चा होगा वो देगी अपना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, इतने जो हम जिस तरीके की यहाँ पे चर्चाएं करते हैं, वो चर्चाएं इसलिए होती हैं कि हम जागरूक बने। आपने वीडियो देख लिया और इसको भूल गए, कोई फायदा नहीं। आप टोल से, भारत में रहने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास गाड़ी हो, जिसका टोल से वास्ता ना पड़ता हो और उसका एक खराब अनुभव टोल से ना रहा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि जजों को छोड़ के और आप भारत के बड़े अमीर आदमियों को छोड़ के, अब तो धर्मेंद्र जी जजों, हाँ, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब तो जजों का भी, अब जब से हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि स्टिकर नहीं होंगे गाड़ी पे, हाँ, तो उनको भी कई बार हो जाती हैं चीजें, उनको भी रोक लेते हैं, रोक लेते हैं। तो ये आप इस तरह का केस होने पे आपके साथ, तो आप एक बार उपभोक्ता अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएं। मैं जाखड़ साहब आपको भी बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों में से कोई जाखड़ साहब को फोन करना चाहे तो उसका स्वागत है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उपभोक्ता अदालत में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है और उसका निवारण भी होता है, समय पर होता है। कोई और रोचक केस बता सकते हैं जैसा जो लोगों के काम आ जाए, हमारे दर्शकों के, कि इस तरह का अनजस्टिस हुआ तो ये उसका ये हो सकता है? देखो, जहाँ तक उपभोक्ता और इसकी बात है, जैसे कई बार होता है कि कीमत से ज़्यादा वसूल लेते हैं। अच्छा, जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हाँ, जैसे अपने, हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है हम कहीं से लेते हैं और MRP उस पर 35 रुपीज़ है, चार्ज कर लेते हैं 40, फिर कहते हैं जी फ्रिज में लगा रखी थी, इसका चार्ज है, वो है। उसमें क्या कि हम उनका बिल नहीं लेते। अच्छा, जो आपने कहा बिल मांगते तो 35 में दे देगा। नहीं, वो भी है पर वो मांगना चाहिए। तो जैसे एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ पे ISBT के ऊपर क्या है, ये भी दर्शकों को जो है नोट करनी चाहिए, अगर कोई दिल्ली जाए तो वहाँ पे अमूमन आप देखोगे कि जो हाफ लीटर की हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं वो 35 रुपीज़ उस पर प्रिंट है जी, या 34 प्रिंट आता है कई बार, वो क्या है कि 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं और हम दे के भी आ जाते हैं, मोस्टली देते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि ISBT के बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनकी एक अलग से, मतलब वो उपभोक्ता फॉर्म नहीं है लेकिन एक अलग से इन्होंने बना रखा है अपनी अथॉरिटी ने कि भाई अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करो या जो भी है करके हमारे पास आओ, तुरंत प्रभाव से 5,000 रुपये की। अच्छा, उसका तुरंत कर देते हैं। हाँ, तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ, तो मैं गया तो मेरे से मांगा तो मैं सीधा ऊपर चला गया, तो उन्होंने उसका करके दे दिया। और जैसे ही मैं नीचे आया तो एक कोई महिला थी, तो वो उनसे झगड़ रही, बोले कि आप तो 40 का दे रहे हो, ये तो 35 का है। तो फिर मैंने उनको रास्ता बताया कि मैडम आप जो है ऊपर शिकायत करें, इतनी दूर जाना है बस, आपको इतनी दूर जाना है। तो बस उसके लिए वो बोले नहीं, अब 5 रुपये के लिए कौन जाए, बस ये उसके लिए कौन जाए, ये आप अपने लिए नहीं करें, अपनी आने वाली नस्ल जो है उसके लिए आप एक अच्छा जो है वो सेट कर रहे करेंगे, मतलब उत्पीड़न सहन करने के लिए तैयार कर रहे।
तो अगर वो करेंगे, लेकिन हाँ मेरे को देखते ही उन्होंने उसको दे तो 35 ही दी, और मैंने उसके बावजूद भी उनको एक बार आप शिकायत तो करो, लेकिन वो चली गई जी। तो कई तरह की चीज़ें, हर तरह के लोग, कई यूट्यूबर हैं जो टोल के ऊपर जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ये करो, अपना टोल बचाते हैं, वो अपना टोल बचाते हैं। और मैं कई बार, मैंने उनको कमेंट में भी जो है मैसेज भी डाला कि भाई आप इनके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते, आपसे शुल्क ले रहे हैं तो आप शिकायत करो, जो आपको कमी खामियां लगी उसको उपभोक्ता फॉर्म में तो डालो, इसमें यूं करने से क्या होगा। देखिए शुल्क देने में कोई बुराई नहीं है, अगर सरकार ने सिस्टम बना रखा है, टोल पे आपको अच्छा टोल मिल रहा है, अच्छा रोड मिल रहे हैं, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, टोल दे देंगे, दे देंगे, क्योंकि आदमी जब 5-10-20 लाख की गाड़ी चलाता है टोल देने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस टोल की वजह से हमारा नुकसान होता है तो फिर हमें आवाज उठानी चाहिए। और आपका समय देखो ना, समय कीमती है और उसी के लिए आदमी खर्च करता है और वही बर्बाद हो रहा है वहाँ पे। अगर टोल नहीं थे तो हम फ्री निकल जाते थे, यही फर्क था कि भाई हमारी गाड़ी 70 की बजाय 60 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, लेकिन हम चलते तो ठीक थे जी। और अब जो है उसके कारण जाम भी लग जाता है, लेकिन नहीं करते। समय समय पर जो है कुछ इन्होंने अपने नियमों में बदलाव कर दिए। पहले नियम था कि 3 मिनट का जैसे आप वेट कर रहे हो तो ये फ्री जाने का प्रावधान था। आरटीआई से अपने हरिओम जिंदल जी हैं लुधियाना से, वकील साहब, वो भी अच्छे एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने लगाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर दी, वो भी ख़त्म कर दिया। वो इनका नुकसान हो रहा था ना, नुकसान हो रहा था वो तो चीजें। अब लोगों के जितने जागरूक होंगे, हो सकता है आपके इस वीडियो को देख के अब और लोग आपके पास कमेंट से, आपका कमेंट बॉक्स इतना भर जाए कि पूछने लगे कि बताओ भी कैसे करें, तो अच्छी बात है आपने कदम उठाया है, तो आगे से लोग जागरूक भी हों। जी जी, जाकर साहब आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप भी दोस्तों धन्यवाद के साथ कंप्लेंट करना सीखें, अनजस्टिस हो रहा है तो उसको जस्टिस में बदलना सीखें। शुक्रिया, नमस्कार।